बेगूसराय ITI मैदान में एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय ऑपरेटरशिप मेला सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किए। नियोजन मेला में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की जमीनी सफलताओं के लिए कई कंपनियों ने अपने प्रतिनिधियों को मौजूद रखा। इस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राज्य सरकार बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए कृत संकल्प है और रोजगार मिल भी रहा है। पहले प्राइवेट कंपनियों में ये धारणा थी कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जब उन्होंने अभ्यर्थियों की योग्यता और दक्षता को समझ लिया तो अब तो काफ़ी उत्साहित होकर मेला में शामिल हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। पहले और अब की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है और आगे इसमें और भी सुधार की तैयारी में सरकार तत्पर है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल की विपक्षी पार्टी रोजगार के मामले में सरकार को फिजदी मानती है। इस पर मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार के समय में सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार और घोटाला की सुर्खी में होती थी, अब तो कम से कम लोग विकास की चर्चा करते हैं। हम चाह रहे हैं कि रोजगार का अवसर वो बेहतर भविष्य तलाश सके, रोजगार प्राप्त कर सके, स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा सके और अच्छे प्रशिक्षण लेकर बाहर के दूसरे स्टेट में जाकर वो जो अनुभव लेंगे, वो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसका लाभ हमारे स्टेट को भी मिलेगा। 29 में जो जाएंगे बाहर, बाहर की कंपनियां जो इनका चयन करने के लिए आई है, ये कंपनी के माध्यम से अलग अलग बड़े बड़े कंपनी के अंदर जाएंगे, वहाँ नए टेक्नोलॉजी के साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे, इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, 7,500-8,000 से ऊपर का स्टाइपेंड भी मिलेगा और फिर अच्छे